हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियोस में हम जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के जो है ना क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर के किए थे। अगर इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखी है तो यार आप देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी या आई बटन में आपको जो है सारे लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। मेरा वादा मुझे याद है 45+ का 50 में से, लेकिन आप भी अपना वादा याद रखो। आपका वादा यह है पूरी वीडियो देखा करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, बहुत सारी कॉम्बिनेशन होती हैं, डिस्प्लेसमेंट होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजन। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक सोल्ट है, ठीक है। एक यहाँ पे जो है कंपाउंड है और एक सिंगल एक मेटल का एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, Al इसको Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये तो मुझे इतना टाइम लग रहा है बोलने में, लेकिन आपको एकदम से देखने में पता चल जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन से रिएक्शन करवा रहे हैं HCl की हम, तो हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है एसिड का है, क्वेश्चन का नेक्स्ट चैप्टर का, लेकिन आप पढ़ चुके हैं फिर भी बता रहा हूँ। एसिड के जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सेकंड में क्या लिखा है, आयरन क्लोराइड। तो सोल्ट जो बनेगा आयरन क्लोराइड ही बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। Cu SO4 + ZnO एरो Cu + ZnSO4। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी। एक मेटल है और एक मेटल का सॉल्यूशन या साल्ट है, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक ग्रेन्यूल्स के, तो हमें क्या मिलता है? तो हमने ये रिएक्शन देख रखी है यार, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होता है, तो हमें पता है यहाँ पे क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जिंक सल्फेट नहीं लिखा हुआ है। तो ये सॉरी, ये जिंक हाइड्रो ये यहाँ पे जिंक सल्फेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी क्वेश्चन की प्रिंटिंग में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। हमें देखना है बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, अब देखो इसीलिए फॉर्मूला बताए थे। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। BaCl2 यहाँ पे फर्स्ट तीन रिएक्शंस में है, तो आप देखो यार, या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल्डाइज होता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, इस तरीके से ऑप्शन को कट करना, कैंसिल करना सीखो। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे BaCl3 है, यहाँ पे BSO4 है, बैलेंस देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे देखो SO4 के तीन हैं, लेकिन यहाँ पे SO4 का एक है, तो मुझे पता चल गया यही वाला ऑप्शन बचा है, तो ये आंसर इसका यही होगा, और पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्ट एरो से इधर अगर एक है और एरो से इधर दो होते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन वाला आंसर ये हो गया, दूसरी रिएक्शन का तो देखना भी नहीं है हमें, क्योंकि डीकम्पोजिशन और पहले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखो, दो का एक बन रहा है, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो आंसर सही है हमारा। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन अकॉर्डेंस विद किस किस वजह से जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस होता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज, नहीं ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या था, जैसे H2 का एक मोलिक्यूल है और O2 है, क्या बनता है, इसको मिलाने के बाद वाटर बनता है, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखो, मतलब जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए और एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी वाटर बनेगा। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। तो मास मतलब कि अगर जितना इनका मास है रिएक्टेंट से लेफ्ट साइड वाला, सॉरी रिएक्टेंट का मास इतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा पेयर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा।
तो इसमें अभी जो है ना, आपने मेटल्स है नॉन मेटल्स नहीं पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को रहने भी दे सकते हो। वैसे जो देगा ना वो कॉपर सी यू प्लस ए जी एन ओ थ्री वाला देगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी ए जी से ज़्यादा होती है। बाकी मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इसको। विच ऑफ वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होती है? तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जिस रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस तरह से क्वेश्चंस करते जाओगे परफेक्ट होते जाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ बस मेरी वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है हमें कौन कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले सब्सटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में। तो इस रिएक्शन में देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप देखो हाइड्रोजन के पास यार ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन तो हो रहा है ऑक्सीडाइज। देखते हैं हाइड्रोजन वाला किस कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो सी हो सकता है या हो सकता है डी हो सकता है। और रिड्यूस कौन सा हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, ये आंसर है। एक सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। हमें पता है सी ए ओ वो सब्सटेंस एक्स है जिसका सोल्यूशन, मतलब जब उसे वाटर में मिलाते हो आप, तो वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। क्या नाम था उसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस एक्स कौन सा हो जाएगा, सी ए ओ। अब उसका जो है हमें जो है फॉर्मूला बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है उसका सी ए ओ, कैल्शियम ऑक्साइड, यही लिखा हुआ है इसमें। 12th क्वेश्चन देखते हैं हम। 12th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, हमें बताना है सी ए ओ प्लस एच टू कौन सी रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन का नाम बताना है हमें कि कौन सी रिएक्शंस होती है। तो हमें पता है यार जब दो चीज़ें एक चीज़ मिलती है तो उसमें जो है क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। अब या तो बी हो जाएगा आंसर या आपका सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला सी ए ओ एच होल टू एच होता है, यहाँ पे सी ए ओ एच लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा गलत। तो आपका राइट आंसर है बी। इस तरीके से देखो मैंने दो ऑप्शन देखे भी नहीं, वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चार ऑप्शन में से आपका एक खुद ही आपको पता चल जाएगा सही कौन सा है। अब केमिकल रिएक्शन कब होती है, मैंने आपको इसमें बताया था, या तो स्टेट चेंज हो या गैस चेंज हो या टेम्परेचर या कलर चेंज हो, तो आंसर हो जाएगा ए या बी, कुछ भी। अब हमें कहा गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल और सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्ट करना है तो क्या बनता है, ए जी एन ओ थ्री। ठीक है, ये हमें बताना है कि क्या बनेगा 16th क्वेश्चन में। अभी 16th क्वेश्चन में जो बनेगा वो बनेगा ए जी सी एल प्लस एच एन ओ थ्री। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो ना, इसमें पूछा था आप जब लिखते हो इसको कि तो क्या बनता है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है इसमें। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, वाटर है उसका फॉर्मूला भी एच टू ओ होता है और वाटर वेपर का फॉर्मूला भी एच टू ओ होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आइस का फॉर्मूला भी एच टू ओ और वाटर का फॉर्मूला भी। अब है नमक, नमक को आप जो है सोल्ट को मिला रहे हो आप किस में, वाटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसमें बताना है कौन सा जो है इसमें सही है स्टेटमेंट, एफ ई प्लस एच टू ओ, एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू। इसमें से ऑप्शन देख के बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन मेटल तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है। ठीक है, ये सही है। वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सही है। और वाटर जो है, सॉरी, वाटर रिड्यूस हो रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। और वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ये देखते हैं क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। और वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, हाँ ये सही है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कौन सा आंसर है, 19th वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है। जब वाटर के साथ हम क्विक लाइम मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक होती है, सी ए ओ प्लस एच टू ओ, तो ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक थी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को मिला रहे हो पानी मिला रहे हो, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होती है। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए। बात करते हैं जब वाटर को हम जो है क्विक लाइम में मिलाते हैं, तो क्विक लाइम और वाटर वाली रिएक्शन अभी हमने देखी थी सी ए ओ प्लस एच टू ओ, तो ये एक्सोथर्मिक होती है, सी ए ओ एच होल टू एस बनता है और आपकी हीट निकलती है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। एसिड का पानी में मिलाना, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक नहीं होती। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी नहीं होती। तो फर्स्ट और सेकेंड में आंसर हो जाएगा ए वाला आपका, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही थे।
ये रिएक्शन कौन सी, आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, केमिकल चेंज फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट चेंज हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर का करते हैं तो हाइड्रोजन के रेशियो कितने होते हैं और ऑक्सीजन के जो निकलती है, तो हमें पता है हाइड्रोजन के दो होते हैं और ऑक्सीजन के एक होता है, तो इसमें आपको ये याद रखना। अभी मैंने रिएक्शन भी बताई थी आपको, टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कौन सा हम जो है ऑयल को रख सकते हैं, कौन सी गैस हम यूज़ कर सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। तो हमने यार बात की थी, इसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन एक गैस होती है जो ऑयल और फैटी एसिड्स को स्टोर करने के लिए काम आती है, लेकिन उसमें जो है दूसरी भी रिएक्शन दे रखी है इसमें, ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन तो करती है यार उनको रेंसिड, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें ये हमें बताना है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, प्रेशर चेंज करना किसी भी गैस का नहीं होती केमिकल रिएक्शन। लिक्विफिकेशन ये भी नहीं होगा। पेट्रोल को चाइना डिश में रखना ये भी नहीं होगा। कॉपर वायर को हीट करना एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, ये आंसर होगा आपका। अब हमें बताना है कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है इसमें। देखो ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 666 वाली रिएक्शन है, ये यहाँ पे 6 होना चाहिए था, और यहाँ पे Fe3 है तो यहाँ पे Fe3 होने चाहिए थे, 3 Fe होता इसके आगे। और अब हमें देखना ये रिएक्शन, क्या ये वाली रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3 और ऑक्सीजन 3, तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस है यहाँ पे, थर्ड वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन Fe+Ni2+1। अब यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, तो बताना है हमें 25 वाले रिएक्शन में कि ये होगा क्या इसमें, ठीक है। तो Fe2O3 मिलेगा या Fe3O4 मिलेगा या क्या मिलता है इसमें रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैलेंस ही आपको याद होनी चाहिए। Fe की हमने बात की थी और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे देखो Fe की वैलेंसी क्या हो सकती है, या तो 2 हो सकती है 3 हो सकती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 2 होती, O2 तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, अगर O2 यहाँ पे लिखा भी है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये जो आयरन ऑक्साइड बनता है ये बनता है Fe2O3, ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ रहा है, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन से जो है कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें AgBr में, तो ये नहीं, ये तो रिएक्शन ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, और ये कौन रिएक्शन है, कुछ मिसप्रिंटिंग है, सही कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है और प्लस कार्बन है, तो जिंक प्लस CO, ये NCRT की भी रिएक्शन है। इसमें देखो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन डीकम्पोजिशन नहीं है, तो ये वाली डीकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन मिसप्रिंटिंग से छोड़ दो आप, तो ये रिएक्शन आपका मिस। अ स्लो कम्बशन इन विच ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए कि उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन ली जाती है और जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एनर्जी मिलती है। C6H12O6+O2 वाली रिएक्शन वही थी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन का केमिकल सॉरी मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेट इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन बिलो, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। रिडोक्स रिएक्शन में Cu2+AgNO3 में क्या मिलेगा हमें, ठीक है, ये हमें बताना है डिफॉल्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमें मिलेगा सिर्फ सिल्वर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सिर्फ Ag, ये रिडोक्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन, करेक्ट केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग थी, लेकिन आप जो है यार प्रैक्टिस करते रहो और वीडियोज़ को देखते रहो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।